तो एम 1887 का कट्टा की बुशिंग में आपका वेलकम है। एंड आज के दिन इन सब्सक्राइबर भाई का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जो लिक्विटा मोको मीशा प्लस A124 है। एंड ये कॉम्बिनेशन लिटरली बीस्ट है, जहां पर हम बंदे पे रश करके उसे दौड़ा दौड़ा कर मार सकते हैं। बाकी भाई ब्लू जोन जहां इतने बंदे उतरते हैं वहां से लिटरली एम 1887 ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बट जब मिलती है तो भाई एनिमी के साथ क्या ही फाइट होती है। बाकी आज तो भाई मीशा का भी एक अलग ही लेवल गेम प्ले देखने को मिलेगा एंड जोन, तो उसे मिस मत करना। और अब इंडिया का टाइटल चाहिए तो फटाफट से मैच भी स्टार्ट ही कर लेते हैं। अब भाई फर्स्ट मैच में ना ब्लू जोन में उतरा था और पूरा ब्लू जोन ढूंढ लिया था, लेकिन इस गन का कहीं ठिकाना नहीं था। और दुख तो तब होता है जब आप टोकन कलेक्ट करके बॉक्स खोलो लेकिन इसमें भी भाई ये गन नहीं मिलती, और लास्ट का ही बंदा रह गया था जो सामने था और इसको ठोकने की कोशिश करता हूं लेकिन बच जाता है। और जैसे ही मैं इस तरफ जा रहा था भाई इसने अपनी शॉर्ट रेंज से शूट किया और वो थी भाई दो गोली वाली शॉटगन। अब प्लस चाहिए थी तो भाई मैं जो इसके सामने टीम अप करने लग गया था कि भाई मैं इसे गन एक्सचेंज कर ले, जो है भाई टोकन निकाल भी देता हूँ और इसको भाई बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये वाली गन ले ले, और लिटरली भाई ये वाली गन ये ले भी लेता है। तो अब मैं भाई बोल लगाता हूँ कि ले भाई मेरे से फाइट कर ले, और निकलते भाई इसको जो है दो गोली शॉट मारता हूँ। अब मैं थोड़ा ना दूर हो गया था जिससे ये अलर्ट हो जाए कि भाई ये फाइट लेनी है, और फिर सब्सक्राइबर का खतरनाक कॉम्बिनेशन इसकी स्किल ब्लॉक कर देता हूँ और निकलते ही भाई दो शॉट में इसको खत्म कर देता हूँ। मतलब यार कभी कभार इस चैलेंज में कैसी कैसी हरकतें करनी पड़ती है, और जीरो से तो अच्छा है 30 की प्लस देखने को मिलती है। अब इस गेम में मैं आपको बता दूं भाई ब्लू जोन कितनी खतरनाक जगह है, आप ही देखो कितने सारे बंदे कूद रहे हैं। बंदे इतने कूदते हैं ना कभी कभार तो पता ही नहीं चलता, यहाँ पे आराम से लूट ही रहा था एकदम से बंदा आता है और ये देखो। अब भाई इसमें मेरी क्या गलती थी यार। अब नेक्स्ट गेम में तो भाई जल्दी मेरे को शॉटगन मिल जाती है, और यहाँ से जा ही रहा था भाई सामने मेरे को बंदा भी दिखता है, और भाई इसको जैसे ही मैं डैमेज करता हूँ इसने भी तगड़े वाला डैमेज दिया था, लेकिन भाई मेरी किस्मत मेरे पास ना मेड ही नहीं थी, ऊपर से भाई इसके हुमर ने और मेरे को और ज्यादा डैमेज कर दिया था, और ये बहुत बेकार सिचुएशन में मैं फंस भी गया था जिसकी वजह से मैंने अपनी हेल्थ तो पूरी कर ली थी लेकिन आखिरी के 20 बंदे रह गए थे। और जोन की तरफ जा ही रहा था भाई सामने एक मेरे को बंदा भी दिखता है भाई, बिल्कुल छुपी पड़ी थी तो उसको थोड़ा डैमेज दिया था और उसने वॉल लगा ली थी। पहले तो भाई इसकी स्किल ब्लॉक करता हूँ और जैसे ही निकलती है डैमेज तो दिया, और इस पे भी भाई दो गोली वाली शॉटगन थी उसने ज्यादा डैमेज दिया है, बट मैं यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ लेकिन यार डैमेज बहुत घटिया जाता है। फिर से जाता हूँ यहाँ पे भी डैमेज दिया है, और इसका मार्क भी आ रहा था, फिर से जाता हूँ और फाइनली भाई एक शॉट में जाके खत्म हुई है और पहला किल हुआ है अब जाके, और अब लास्ट के भाई दो ही बंदे रह गए थे। अब पास में भाई एक लड़की थी तो मैं सीधा उतरता हूँ लेकिन यार डैमेज की मैं बात नहीं कर सकता, मुझे याद आता है यार दो गोली वाली से मारना है। तो भाई सीधा जो है ना मैं इसकी क्लोज में आ गया था, और ये तासिया से दूर जाता है वैसे ही मैंने इसको दो शॉट मारे तगड़े वाले, और मोको का मार्क आ रहा था निकलते ही एक शॉट में भी मर जाता है। अब शुरू के मैच यार मेरे लिए इतने बुरे जाएंगे पता नहीं था, लेकिन 100 की प्लस जरूर हो जाती है। नेक्स्ट गेम में तो भाई बड़ी खुशी होती है क्योंकि दूसरी का नहीं मुझे दो गोली वाली शॉटगन मिल जाती है, और भाई जैसे ही आता हूं ना सामने दो बंदों की फाइट भी हो रही थी तो मैं फटाफट से जाता हूँ, और यहाँ पहुंचते भाई सामने मेरे को बंदा भी दिखता है, और ये देखो भाई लूट में इतना खोया हुआ था हेड से मेरे को किल दे देता है। अभी पूरा हवा हवाई मैंने लूट लिया था, जैसे इस तरफ बढ़ता हूं ना एक बंदे की आवाज आने लग जाती है और ये ऊपर ही आ रहा था, और इसको भाई M41 से तगड़े वाला डैमेज दिया है, लेकिन जैसे क्लोज में जाता हूँ यार ये जो है वुकोंग बना हुआ पड़ा था। लेकिन सब्सक्राइबर भाई का कॉम्बिनेशन A12 वो छोड़ता हूँ और एक ही शॉट में भाई इसको खत्म भी कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा ना इस घर में आके भाई होल्ड करता हूँ और भाई टॉप 15 में भी आ गया था, और अब जोन भी आ रहा था तो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ और सामने बंदा दिखता है जिसे हेड मार रहा था, और ये सोनिया बन गया था, और भाई M1887 से कोशिश तो करता हूँ लेकिन उससे पहले ही मर जाता है। और अब इस कॉम्बिनेशन की भाई पावर देखो, सामने बंदा था जिसकी मैंने जैसी स्किल ब्लॉक करी और एक शॉट मारा, उसके बाद तो भाई ये जो इधर उधर भागे जा रहा था लेकिन मोको का कमाल पोजीशन पता चल रही थी, और यहाँ पे भी मैं इसको एक शॉट मार देता हूँ। भाई इसको भगा भगा के मैं मार रहा था ना, बड़ी प्रो वाली फीलिंग आ रही थी, और ये घर के अंदर चला जाता है लेकिन जैसे ही निकलता देखो डैमेज तो दिया तगड़े वाला, और फिर से जाता हूँ और फिर से आता है, एक शॉट ही नंबर रहता है इसको खत्म करने के लिए। अब आगे चल के ना एक और बंदा सामने था और ये मेरे पे जैसे ही रश करता है ना देखो भाई एक शॉट तो मारा है, और ये जैसे भाई तासिया से दूर जाता है फिर से मैंने इसको शॉट मारा है, और पिछले वाले बंदे को मारने के बाद ना मुझे लग रहा था मैं इसे इजीली डिफीट कर दूंगा, इसकी स्किल ब्लॉक करता हूँ, लेकिन उसी टाइम भाई इस बंदे ने मेरी पूरी हेल्थ कम कर दी थी, और पास से एक गाड़ी ना हमें उड़ाने आ रही थी तो भाई मैं तो इसके साथ ही बैठ जाता हूँ और लिटरली बच गया, और ये भी इसके साथ ही बैठ जाता है। मतलब भाई क्या ही बोलूं, लेकिन अब क्या होता है उससे पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको कैश गेम के बारे में तो पता ही होगा, यहाँ पर एक जेट होता है एंड उड़ने से पहले आपको कैश इन कर लेना होता है, एंड उड़ते उड़ते जेट फटने से पहले आपको कैश आउट कर लेना है, वहां से फिर आपको प्रॉफिट मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगा। तो वो गेम मैं आपको प्रेफर करूंगा 1x में खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी इंटरफेस है एंड आसानी से विड्रॉल भी ले सकते हो, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो 130% तक आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जो अप टू 1,69,000 तक का है। तो अभी जाइए और खेलिए 1x गेम, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अब गेम में बढ़ते हैं, और भाई मैंने अपनी हेल्थ तो पूरी
पूरी कर ली थी और आगे चल के ना एक बंदा उतर भी जाता है और लिटरली भाई मर भी जाता है। चलो एक नुबड़ा तो मर गया, दूसरी नुबड़े की बारी यानी तेरी। और आगे चल के भाई मैं भी उतर जाता हूँ और यहाँ पे ना एक बंदा था तो मैं थोड़ा जैसे दूर में जाता हूँ ना भाई M10 से मेरी हाइट ही फोड़ देता है, लेकिन वो गाड़ी वाला हैवी ड्राइवर लिटरली इसको उड़ा ही देता है और गाड़ी घुमा के भाई मेरे को भी उड़ाने के इरादे में आ गया था, लेकिन मैं इस तरफ आ जाता हूँ और यहाँ थोड़ा वेट ही कर रहा था, एकदम से एक बंदा भी आ जाता है और इसे भाई हेड मारता हूँ, लेकिन डैमेज देखो यार ऊपर से ये देखो भाई इस गन का यार डैमेज कैसा सा है, लेकिन कोई ना यार फुल प्लस जरूर हो जाती है। बट अब इस मैच के बाद से भाई मेरी किस्मत बदलने वाली है। अब दिल भाई खत्म होने वाला था और मेरे पे तो भाई लॉन्ग रेंज की गन थी और सामने एक बंदा था तो मैं उसकी तरफ सीधा बढ़ता हूँ और उसको भाई थोड़ा डैमेज तो दिया था और उसकी स्किल ब्लॉक भी कर देता हूँ और इस पे भाई सीधा रश करता हूँ। यहाँ पे इसका मार्क भी आ रहा था और इस पे थी कौन सी गन भाई, दो गोली वाली, तो भाई किसी तरह देखो M60 से भाई खत्म कर दिया और दो गोली वाली शॉटगन मिल जाती है और पूरा ना बुल से यह लूट लिया था और यहाँ से जा रहा था एक बंदा यहाँ दिखता है और भाई इसको देखो कितने तगड़े वाला है, लेकिन यार डैमेज इतना बेकार की मरता ही नहीं एक से, तो इसका मार्क आ रहा था और ये देखो एक शॉट में खत्म कर देता। और अब जोन के अंदर भी तो बढ़ना है तो जा ही रहा था भाई एकदम से एक बंदा सामने से डैमेज करने लग जाता है और पता नहीं भाई मेरे मन में क्या सूझा, मैं जो है गाड़ी को ही बुला लेता हूँ और भाई गाड़ी घुमा के इसको जो है ठोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बच जाता है। फिर मैं भी सीधा उतरता हूँ और इसको थोड़ा सा डैमेज दिया है भाई, सब्सक्राइबर भाई को बताया कॉम्बिनेशन इसकी स्किल ही ब्लॉक कर देता हूँ और ये भाग रहा था लेकिन मोको का मार्क आ रहा था और ये यहाँ दिखता है देखो भाई कितने तगड़े वाला हेड पड़ता है इसको और इसको मार के फटाफट से जोन में भी आ जाता हूँ और बंदों को ढूंढ रहा था और एक बंदा ना ड्रॉप चार्ज कर रहा था और इसको तो भाई ठोक भी देता हूँ और भाई फिर सीधा उतरता हूँ इसको डैमेज करता है। यार ये डैमेज देख के लिटरली भाई रोना आ जाता है और इसकी भाई स्किल भी ब्लॉक कर देता हूँ और इस पे सीधा रश करता हूँ। यहाँ पे भी दो शॉट मारे और ये भाई दूर भागने लग जाता है, यहाँ पे भी देखो दो शॉट मारे, कब मरेगा मेरे भाई। और ये ना अपने आप को पैक कर रहा था लेकिन मैं अंदर ही घुस जाता हूँ और भाई फाइनली घूमते हुए एक शॉट में अब फिर जाके खत्म हुआ ये बंदा। दोबारा बंदों को ढूंढने लग जाता, सामने बंदा भी दिखता है और उसके बाद तो मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। लिटरली भाई मैच में ऐसे मारने का भी अलग ही मजा है। और अब देखते देखते ना भाई टॉप 3 में भी आ गया था, एक बंदा तो ना इस तरफ था और एक बंदा सामने की तरफ था और जोन श्रिंक हो रहा था, लेकिन ये सामने वाले को देखो भाई ये तो कुछ अपना ज्यादा दिमाग लगा रहे, मेरे को पैक ही कर देता है, ऊपर से नायरी की बोल और पता नहीं नेड की और बरसात करे जा रहा है। बट भाई मैं किसी तरह जो है निकल जाता हूँ और मेरा ही वेट कर रहा है, लेकिन मैं भाई किसी तरह बोल लगा लूंगा कि जब पीछे की तरफ हट जाता हूँ और यहाँ पे आते ही मेरी बारी तो पहले इसकी स्किल ब्लॉक करता हूँ और मैं इस तरफ आ गया था और ये जैसे निकलता है एक शॉट इनफ रहता है और एक बंदा तो भाई जोन में रहकर ही भुया का संघर्ष कर रहा है, लेकिन भाई फाइनली ये जो है एलिमिनेट भी हो जाता है और अब जाके भाई हमारा भुया भी हो जाता है, साथ ही में भाई दो गोली वाली शॉटगन में पूरी प्लस भी। अब नेक्स्ट गेम में भी भाई अपना जो है बुल सैया की तरह ब्लू जोन बना था, लेकिन पता नहीं यार आज के दिन क्या किस्मत चल रही है, ब्लू जोन में भी M1887 नहीं मिल पा रही और सिर्फ ब्लू जोन ही नहीं यार ये डब्बे में से भी M1887 नहीं निकल पा रही थी। और अपना सामने वाले घर में बंदा था और अब यही चांस है कि भाई एनिमी को मार के उसके पास M1887 होगी तो ही ठीक है, तो मैं यहाँ पास में आ जाता और एकदम से भाई क्रिमिनल निकलता है और इसको डैमेज तो नहीं दिया था, लेकिन ये भाई जैसे निकलता है MP5 का एकदम तगड़े वाला हेड पड़ता है, लेकिन यार गन नहीं मिलती। और अब सामने जा रहा था भाई दो बंदों की आपस में फाइट हो रही थी, तो मैं सीधा बढ़ता हूँ, एक बंदा दूर में दिखता है उसको डैमेज देता हूँ, एक बंदा मेरे को डैमेज भी कर देता है। और अब मैं जैसे क्लोज में जाता हूँ ना एक बंदा मुझे सामने दिखता है और इसको भाई तगड़े वाला जो है मैं मार देता हूँ और इतने में भाई पीछे से मेरे को डैमेज पड़ता है और आगे वाला बंदा मुझे नॉक कर देता है और वो मुझे खत्म करने आ रहा था वो पीछे वाला इसे मार देता है और मैं भाई रिवाइव हो जाता हूँ और रिवाइव की खुशी से ज्यादा भाई मुझे M1887 भी मिल जाती है। जब तक मैं भाई जोन में आ रहा था 5 बंदे रह गए थे और एक बंदा भाई मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन भाई वो एलिमिनेट हो जाता है और मैं किसी तरह बच जाता हूँ और यहाँ मेडी क्या मार ली भाई और जो एलिमिनेट होने लग जाते हैं। तो आगे अब जिन बंदों की फाइट हो रही थी ना तो मैं उनके क्लोज में जा रहा था, लेकिन भाई इसने ना पैक कर रखा था और यहाँ पे मोन्स्टर ट्रक भी था तो मैंने वो पकड़ लिया था और भाई अब देखना तो मैं ना भाई यहाँ से घुमा देता हूँ और ये सामने ही होता है इसको भाई मैं ठोक भी देता हूँ, तो इसके क्लोज में जाता हूँ और इसको नॉक भी कर देता हूँ, तो इसे फटाफट से फिनिश कर लेते हैं और अब जाके पहला किल हुआ है। और वो आखिरी वाला बंदा सिचुएशन का फायदा उठा रहा था, पास में आ गया था, लेकिन मैंने एक शॉट जैसे ही मारा मेरे को याद आया भाई शॉट गन से मारना है, तो भाई पहले इसकी स्किल ब्लॉक करता हूँ, निकलते ही देखो तगड़े वाला भाई हेड पड़ता है और इसी के साथ भुया होता है वो तो ठीक है, बट एंड तक भाई हार ना मानने की वजह से M1887 में फुल प्लस भी हो जाती है। अब नेक्स्ट मैच में भी भाई दो गोली वाली शॉटगन को ढूंढ ही रहा था, लेकिन इस तरफ आते ना एक बंदा सामने था, लेकिन यार यहाँ ना मैं पीक ले रहा था, लेकिन ये जैसी कवर में जाता मैं भी जा रहा था, लेकिन उससे पहले मार देता है। अब मरने का तो यार मेरे को दुख नहीं था, लेकिन इस पे भाई M1887 थी इसका बड़ा दुख हुआ था। बाकी भाई इस मैच में ना मीशा द अनडिफिटेबल कैरेक्टर का ना भाई कमाल देखना, तो बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद ना
मुझे नीचे आकर जो है M1887 मिल जाती है, और मैं इस तरफ आ गया था और इस वाले घर में ना बंदा भी था और ये बिल्कुल ऊपर ही था, तो पहले इसकी स्किल ब्लॉक कर देता हूँ। और इसको देखो दो गोली शॉटगन से डैमेज तो दिया है, लेकिन भाई ये जो है नीचे कूद जाता है। बट भाई मोको का मार्क ना बड़ा हेल्प करता है, ये यहाँ से घूम के आ रहा था और मैं इस तरफ आ गया था, और ये देखो एक शॉटगन में मारता तो खत्म भी कर देता हूँ। और अब ना मैं बहुत आगे आ गया था और पास ही में भाई एक बंदा भी था, और मैं पहले तो भाई जोन की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ आती ना उसका वेट कर रहा था, और यहाँ से ये आ भी जाता है तो भाई इसको जो है घूम के देखो दो शॉट तो मारे, पर जैसे ही क्लोज में जाता हूँ ना ये पैक कर लेता है और मैं इस पे जो है स्किल छोड़ देता हूँ। और अब इसका फायदा देखो भाई, जोन में रह जाता है और किल भी आ जाता है मेरा। बट अब भाई मीशा कैरेक्टर का ना कमाल देखना, यहाँ पास में गाड़ी थी ना तो मैं उसको चलाने लग जाता हूँ, और इसे चला ही रहा था एक बंदा ना सामने से गोलियां चलाया जा रहा था, तो भाई इसको तो देखो ठोकी देता हूँ और दो शॉट मारता हूँ, इसी के साथ दूसरा किल भी आ जाता है। और अब दोबारा बंदों को ढूंढने लग जाता हूँ, यहाँ पे एक बंदा भी दिखता है जो वॉल लगा लेता है, लेकिन इसको भी ठोकता हूँ और उतरते भाई ये देखो इसको तो गायब ही कर देता यार हेड मार के। नुबड़ी तेरी व्हीकल चलाने की कभी आदत जाएगी या नहीं? और भाई बाइक फूट गई थी और यहाँ पे जीप था तो मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। तो अब जो है भाई जीप चला के बंदों को परेशान कर देता हूँ। यहाँ पे सामने एक बंदा था, वॉल तो लगाती है और मेरे को डैमेज भी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई खुद ही उड़ जाती है। और घुमा के इसके पास फिर से लेके जा रहा था, इसको भाई दोबारा ठोक देता हूँ, लेकिन यार दूसरे वाला बंदा किल चुरा लेता है। और देखो इसको तो उतरते भाई तगड़े वाला हेड, और मैं भी रश कर रहा था, लेकिन भाई भैया तुम्हारे भाई का ही होता है। तो इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से भाई एंड में रहकर भी पूरी प्लस मिल जाती है। बाकी भाई पता नहीं नेक्स्ट एरा में तो आज हवा हवाई में जो है जोन बने जा रहा था, दो गोली वाली शॉटगन ढूंढ ही रहा था, एकदम से नहीं यहाँ से एक बंदा आ जाता है और इस पे वो गन भी थी और इसको थोड़ा डैमेज तो दिया था, लेकिन ये वॉल भी लगा लेता है और मैं पहले इसकी स्किल भी ब्लॉक कर देता हूँ। और अपना भाई मोको का कमाल देखना, इसका जो है मार्क आ रहा था तो ये नीचे कूद गया था, मेरे को पता चल गया था, मैं भी कूद गया था, और इसको देखो दो शॉट में खत्म भी कर देता हूँ। चलो इस बार जो है शॉटगन ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तू इतना नुबड़े अब तेरे सब्सक्राइबर को तेरी हेल्प करानी पड़ रही है। और अब फटाफट से जो जोन में भी आ जाता हूँ, और अब बंदों को ढूंढ रहा था, एक बंदा ना आराम से ऑरिजिनल लूट रहा था, कूद के भाई इसको सीधा थोड़ा डैमेज तो देता हूँ, और अब इसको पता चला इसके पास कोई आ गया है, और इसकी भाई स्किल भी ब्लॉक कर देता हूँ, देखो एक शॉट में खत्म हो जाता है। बाप रे बाप भाई क्या ही कॉम्बिनेशन है। पता नहीं यार कभी कभार ना दिक्कत होती है, गाड़ियों से बंदों को ढूंढता तो हूँ लेकिन यार बंदे मिलते नहीं है, और पता नहीं बंदे खत्म ही होते रहते हैं। हाँ वो सोचते होंगे नुबड़े के हाथों से गलती से मरने से अच्छा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या ही बेशरम पेट है भाई मेरा। भाई मैं ना चुपके से इस तरफ आ गया था और एक बंदे का ना मेडी का मार्क भी आ रहा था, तो इसका ना यहीं पे वेट करते हैं, और मुझे लगा था इसको मेरी लोकेशन पता नहीं होगी, लेकिन भाई मेरे पे सीधा ही नेट फेंकता है, और जैसे ही सर्फ से निकलता हूँ ये ना क्लोज में ही आ जाता है, और ये देखो यार हेड तो मार दो, पता नहीं एक गोली से मरते क्यों नहीं है बंदे। एक गोली से मरने की स्किल्स बस तेरे पास ही है नुबड़े। और मैं ना भाई इसकी जो है स्किल भी ब्लॉक कर देता हूँ, और इसका जो है मोको का मार्क भी आने लग जाता है, लेकिन जैसे इस तरफ जाता हूँ यार ये जो है पैक ही कर लेता है। अब मैं ना इस पे भाई बमबारी की बरसात कर देता हूँ, और जैसे ही थोड़ा कवर में आ रहा था ये उससे ही नोक हो जाता है, और मैं थोड़ा इसको रिवाइव होने दे रहा था कि भाई M1887 से मारूंगा, लेकिन यार एक बंदा गिल्ली चुरा लेता है, और ये पता नहीं भाई ऊपर था, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं भाई बंदे। प्रो बंदे ही चढ़ पाते हैं, नुबड़े बंदे तो बस देखते ही रह जाते हैं और फिर मरकर लोबी के दर्शन करते हैं इसी तरह नुबड़े। अब मैं ना भाई ऊपर की साइड आ जाता हूँ, और आगे मेरे को बंदा भी दिखता है जिसे डैमेज हो दिया है, लेकिन 12-12 के तो हेड लगते हैं इस गन से। और भाई जैसे ही इस तरफ आता हूँ ये मेरे को सामने दिखती है, इस बार भी मैंने दो शॉट मारे हैं, और ये भाई भागने लग जाती है, लेकिन मोको का मार्क भी आ रहा था और ये ऊपर जा रही थी, यार देखो फिर से दो शॉट मारे हैं, और अब सीढ़ी से ऊपर जा ही रहा था ये ऊपर ही दिखती है, फिर से दो शॉट मारे। भाई ये कैसी हेल्थ लेके आई है, जाइने की बहन है क्या? वो तो पता नहीं जाइने की बहन है या नहीं, लेकिन तू नुबड़ा आइटम का भाई है ना। मैं भाई बाहर की साइड ही आ गया था और यहाँ पे थोड़ा वेट ही कर रहा था, थोड़ा रेंज बना रखा था, एक बंदा सीधा कूदता है, इसको देखो दो शॉट तो मारे हैं। भाई जैसे इस तरफ से जाता हूँ ना ये दोनों सामने थे, और भाई दोनों की स्किल जो है मैं ब्लॉक कर देता हूँ, और ये जैसे ही आ रही थी देखो कितने तगड़े वाला हेड पड़ता है। अब लास्ट वाले बंदे का मैं यहाँ वेट ही कर रहा था, मुझे पहले लगा था ये मैडी कर रही होगी, तो मैं यही थोड़ा रुकता हूँ, लेकिन यार एकदम से निकलती है, दो शॉट तो मारे, मैं क्रोनो भी लगाता हूँ यार इस पे, लेकिन M10 थी और यार मैं क्या ही कर पाता, और ये मेरे को खत्म कर देती है। नुबड़ा जाते जाते फिर कट्टा से कट गया यार, कोशिश तो की थी लेकिन M10 स्पैम कोई ना यार, लेकिन हमारी जो है फुल प्लस जरूर हो जाती है। तो ऐसे ही पुश करते करते गाइस डे 4 में हमने जो है 5300 के आसपास स्कोर कर चुके हैं, और अपने सब स्टेट में 19 नंबर पे भी आ चुके हैं। बाकी यार कॉम्बिनेशन तो बड़ा बीस्ट था, मजा आ गया। एंड आप अपने भी कॉम्बिनेशन बता देना गाइस, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में आपका ही यूज करूं। बाकी गाइस कल की वीडियो में जो सब्सक्राइबर ने कॉम्बिनेशन बताया था ना बड़ा ही भाई मस्त था, लेकिन मेरी किस्मत छोड़ो, वीडियो ना सामने आ रही होगी तो आप खुद ही जाके देखना। बाकी वीडियो पसंद आई तो शेयर करते जाना, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बाय गाइस, पीस आउट।